इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मेरठ में एक बार फिर एक बेटी दहेज की भीड़ चढ़ गई। उसको लेकर वहाँ के स्थानीय लोगों के अंदर भारी गुस्सा और रोष है। वो उनका कहना है कि 13-5 को घटना में अभी तक पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की है, जबकि कातिलों के परिवार के लोग बाहर घूम रहे हैं और उनके खिलाफ जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। राजेश कुमार नाम है। क्या हुआ है, पूरा थोड़ा सा प्रकरण बताइए। दहेज की मांग करते थे। किससे मांग हो रही थी? हमारे से मांग कर रहे थे। लड़की परेशान किया जा रहा, हमने एक दो बार उनकी मदद की भी, एक दो लाख जैसे भी, उसके बावजूद भी एक 1.5 साल की लड़की है, उसके बाद उनको और मांग बढ़ गई। अच्छा, लड़की की कहाँ शादी हुई थी, किससे शादी हुई? कसला गांव में, हम कुछ नाम कौन से थाने का मामला? इंचोली थाना जी। अच्छा, अब आपकी क्या मांग है? क्या जी, हमारी मांग है जैसा जो होना, कम से कम कार्रवाई तो हो। 10 दिन हो गए, कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। एक लड़का पेश करके उसके बाद कार्रवाई नहीं हो। भैया रुक जा, नहीं कोई वहाँ दबिश जा रही है गांव में, ना किधर कोई नहीं। अच्छा, तो पैसे वैसे देकर जैसे भी हैं, कोई उन पर ठेठ कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अधिकारी क्या बोल रहा है? अधिकार तो मतलब वो दे रहा है, आज आए हैं, आज यहाँ क्या कह रहे हैं, घर आएंगे आपको जल्दी काम आने जाते हैं। वहाँ हमारी कार्रवाई हो रही, कोई सुन नहीं सकता। यहाँ हमारी जो बकाया के भेज दिया जिनको, वो आपको हो कुछ नहीं रहा। तो हम तो चाह रहे हमारे साथ कम से कम कुछ ना कानून वैसा हो, तो कानून से तो हमारा में अगर यू चल रहा है तो आज तो 1,000 या 500 तो आए, फिर पूरा गांव है, पूरा इलाका यहाँ काम होगा हमारा जो अपना जो क्षेत्र। सर, एक दहेज हत्या का मामला है, आज सत्यों में प्रदर्शन हुआ था, अभी तो उसमें क्या कार्रवाई हुई है और पूरा मामला क्या है? ये पद्मपुर के रहने वाले एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी पुत्री की शादी चौली में की थी 3 साल पहले। अभी 13-5 को उनकी पुत्री की मृत्यु हो गई थी, जिसमें उसने घर में फांसी लगा दिया था। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी शिव सदर देहात द्वारा की जा रही है। इसमें पति को गिरफ्तार कर लिया गया है, सास देवर और जेठ की गिरफ्तारी अभी उसमें शेष है। इनके संबंध में भी साक्ष्य संकलन किया जा रहा है, साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तारी की जा रही है।